देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहली बार यह फैसला किया गया है कि अब सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया जाएगा। सामान्य वर्ग को, जनरल कैटेगरी के लोगों को आर्थिक आधार पर शिक्षा और नौकरियों में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। पता चला है कि इसमें मुस्लिम समुदाय भी शामिल कर लिया गया है और इसके लिए अधिकतम परिवार की आय 8 लाख रुपये तय की गई है। आइए जानते हैं इसका लाभ किन्हें मिलेगा। पहले, परिवार की सालाना आय 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। परिवार के पास 5 एकड़ से ज़्यादा कृषि भूमि नहीं हो। आवेदक के पास 1000 वर्ग फुट से बड़ा फ्लैट नहीं होना चाहिए। निगम एरिया में 100 गज से ज़्यादा बड़ा घर नहीं होना चाहिए। नॉन नोटिफाइड म्यूनसिपलिटी में 200 गज से बड़ा घर नहीं हो। कुल मिलाकर इस आरक्षण के माध्यम से सामान्य वर्ग के लोगों को भी साधने की कोशिश की गई है और अभी इसमें सभी वर्ग के लोगों को भी शामिल कर लिया गया है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।